लूँगा। अभी बहुत लंबा सफ़र है और इधर सरकार का न्याय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम लोग कानपुर गए, एक विधायक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सरकार ये सोचती है कि कानपुर गए तो महाराजगंज पहुंचा दिया, और अगर हम महाराजगंज मिलने चले जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी जेल में पहुंचा दें। सरकार जेलों में जेल बदलेगी, हम लोग हर जेल में मिलने जाएंगे। वो जितनी जेल बदलना चाहे जेल बदले, और हम लोग हर जेल में जा कर के अपने नेता कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेंगे। और ये अन्याय बहुत दिन चलने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि जिस दिन समाजवादियों ने ऐलान कर दिया जेल भरो, उसी दिन उनका न्याय खत्म हो जाएगा। और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिलकर के बैठेंगे और तारीख तय कर देंगे कि किस दिन से हम लोग जेल भरो का आंदोलन, जिस तरीके से नेताजी छेड़ते थे उसी तरह का हम लोग आगे चलाने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर एक बार फिर चरण सिंह जी को याद करते हुए, किसान नेता किसान चौधरी चरण सिंह जी ने दिखाया था और नेताजी ने उस रास्ते पर हम लोग चले। हमें और आपको विरासत में ये सिद्धांत मिले हैं और हम ये बात मानते हैं और महसूस भी करते हैं कि जो रास्ता दोनों नेताओं ने दिखाया था उसी रास्ते से हमारे किसान और गरीब की भलाई है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर जो सत्ता में सरकार है उनके हम कामकाज देखें तो जितना कुछ बनाया गया था किसानों के लिए, ये सरकार उसको एक एक करके बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। वो हमने और आपने देखा कि जिस तरीके से 3 काले कानून लाए गए थे, वो तो उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव ना हो, नेताओं के सामने और किसानों के सामने झुकना पड़ा। ये काले कानून जरूर वापस हो गए थे, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ फैसला लेना बंद नहीं किया। बधाई देता हूं